भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने सोमवार को कहा कि फुटबॉल के उलट क्रिकेट कैप्टन का खेल है और कोच को पर्दे के पीछे से काम करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक 46 साल के गांगुली ने कहा कि कोच का सबसे महत्वपूर्ण गुण मानव प्रबंधन का होना चाहिए। गांगुली यहाँ के सिम्बायसिस इंटरनेशनल में अपनी पुस्तक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ के लॉन्च के लिए पहुंचे थे। वरिष्ठ खेल लेखक गौतम भट्टाचार्य इस किताब के सह लेखक हैं। इस मौके पर गांगुली ने भट्टाचार्य के साथ एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया। भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में शुमार गांगुली ने इस मौके पर कहा कि उनकी टीम चैंपियन से भरी थी। भारत के लिए 113 टेस्ट मैच खेलने वाले गांगुली ने कोच के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि कोच को मानव प्रबंधन में दक्ष होना चाहिए, लेकिन बहुत कम कोच में ऐसी काबिलियत होती है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल की तरह नहीं है। बहुत से क्रिकेट कोच को लगता है कि फुटबॉल कोच की तरह टीम वो चला रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कैप्टन का खेल है। 46 साल के गांगुली ने साथ ही कहा कि वो खुशकिस्मत रहे कि उन्होंने चैंपियन से भरी टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सहवाग, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे चैंपियंस मेरी टीम में खेले। इससे पहले भज्जी, जहीर और युवराज भी कह चुके हैं कि गांगुली ने उन्हें कप्तान के तौर पर हमेशा सपोर्ट किया। वेल, आपको बता दें कि बीते दिनों इंग्लैंड दौरे पर गांगुली ने रवि शास्त्री और उनकी सोच की कड़ी आलोचना की थी, जब रवि शास्त्री कह रहे थे कि उनकी टीम सबसे बेस्ट है, जिसके बाद टीम इंडिया के कोच और कप्तान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।